Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished 10m 3.2. Now let us start 10m 3.3. 10m 3.3 is involving algebraic methods of solving a pair of linear equations. Pair of linear equations ko solve karne ke liye totally 3 algebraical method hai: substitution method, elimination method aur cross multiplication method. Usme se 2 method hum aaj dekhne wale hain, jo hai substitution method aur elimination method. पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ते हैं। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये क्लास 9th में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता था जब आपको दो अननोन होते थे और दो इक्वेशन मिलते थे, वैसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है। बट द थिंग इज, वहां पे हमें पता नहीं था कि इसको सब्स्टिट्यूशन, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है या यही एलिमिनेशन मेथड है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बट अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यही आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यही एलिमिनेशन मेथड है। वन बाई वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी हियर, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, आपके पास ऑलवेज दो इक्वेशन होंगे, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। मुझे ये बताओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हमें नहीं आता है अभी तक अल्जेब्रिकली, बट क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना आता है? जो क्लास 8 में आपका फेवरेट चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट, उसको सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। यस, वेरी गुड मनोगना। तो इसको मैं एक ही वेरिएबल में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे a1x plus b1y plus c1 equal to 0, इसमें से मैं किसी भी एक को सब्जेक्ट बना दूंगा, वेदर x को या y को सब्जेक्ट बना दूंगा। सब्जेक्ट बना दूंगा मतलब दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो कैन आई राइट b1y इज इक्वल टू -a1x - c1? क्या ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? आया ना, राइट। सिमिलरली इसी में से वापस y को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊ तो b1 उधर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी -a1x - c1/b1। एम आई करेक्ट एवरी वन? इज दिस क्लियर? वैष्णवी, अक्षता, सृष्टि, राइट, ओके। अब ये वाई की वैल्यू मैं ये वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ। सो वेन एवर आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन a2x + b2, अब ये वाला वाई आपका हो जाएगा -a1x - c1/b1 + c2 = 0। So that will be equal to, अगर आप LCM लेते हैं तो इधर b1 multiply हो जाएगा b1a2x - b2a1x - b2c1 + b1c2 whole divided by b1 is equal to 0। Are you getting my point everyone? हाँ या ना, right? अक्षता, थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आपको 50-50 पता चलना चाहिए everyone। चलो अब ये b1 उधर जाएगा, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। Then, ये दोनों x में से अगर मैं मतलब ये दोनों टर्म में से x कॉमन निकालता हूं तो ये आपका बचेगा b1a2 - b2a1 x b1 into 0 will be 0। ये -b2c1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +b2c1, b1c2 उधर जाएगा -b1c2। तो अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूं, ये मुझे मिल जाएगा b2c1 - b1c2 / b1a2 - b2a1। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? एक्स की मुझे वैल्यू मिल गई कि नहीं? हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यस सर, राइट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा b1c2 b2c1 b1a2 b2a1 ये सब देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हाँ या ना, राइट। बट डोंट वरी, जैसे हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे ये मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि b1a2 b2c1 इन सबके जगह पे सिर्फ नंबर्स रहेंगे, फिर हमें सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना होगा। यहाँ तक क्लियर है, राइट? So this is your substitution method, Janvi. This is your substitution method, everyone. Substitution method में क्या करना है, यहाँ पे आपको b1a2 b2c1 उस पर फोकस नहीं करना है, जो आंसर आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, आपको मेथड पे फोकस करना है। वॉट इज सब्स्टिट्यूशन मैथड? सब्स्टिट्यूशन मैथड में जो भी आपको ये दो लीनियर इक्वेशन दिए गए, उसमें कोई भी एक लीनियर इक्वेशन को आप पहले पकड़ते हो, उसमें से वाई को सब्जेक्ट बनाते हो, फिर वो वाई की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखते हो, सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया एवरीवन? व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है, राइट? व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पहले क्लियर हो गया। फिर हम जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स मिल जाएगा। यस, चंदन इज आस्किंग सर व्हाई कांट वी मेक एक्स एज सब्जेक्ट? डेफिनेटली आप एक्स को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। आप यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ और x की वैल्यू यहाँ पे रखो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको यहाँ पे y मिलेगा, राइट? सो
ये आपका आप एक्स को भी सब्जेक्ट बना के रख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, पहले लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक को आप सब्जेक्ट बनाओ, वेदर वाई को या एक्स को, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। जब आप दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो दूसरा इक्वेशन फिर वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो क्या ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में एक्स, जहां पे इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। यहां तक क्लियर है राइट? हाँ यस 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 चालिंग सर, इज दिस ऑल्सो डेरिवेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? हाँ, इवन मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा तो भी, सी तीनों मेथड में आंसर सेम ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम ये डायरेक्ट यूज करने वाले हैं राइट, बट मैं ये बताऊंगा आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, थोड़ा रुक जाओ कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसको याद कैसे रखना है। तीनों मेथड में आपका सेम आंसर आएगा, वेदर यू आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलो ये मेथड आपने देखी, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा, फिर सेम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। नाउ शैल वी सी क्वेश्चंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ एवरीवन? एटलीस्ट अगर आपको 50% भी पता चला है दैट इज ऑल्सो फाइन, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक में सब रिस्पेक्टिवली लिखने के लिए टाइम दूंगा। ओके ओके 3.3 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4x-3y-8=0, 6x-y-29/3=0। चलो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करते हैं। पहले दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन को हम पसंद करेंगे। बोलो कौन सी इक्वेशन को पसंद करें पहले, बोलो। जस्ट सिलेक्ट एनी वन इक्वेशन, वेदर फर्स्ट और सेकंड। बोलो अक्षत आपको नेक्स्ट क्या बोला आपने, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग सेकंड, अभी के लिए मान लो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। सो हियर 4x-3y-8=0, किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाओ, वेदर आप एक्स को सब्जेक्ट बनाओ या वाई को सब्जेक्ट बनाओ, किसी भी एक को राइट, बिकॉज वो दूसरी मेथड की आप बात कर रहे हो, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बोलो किसको सब्जेक्ट बनाए एवरीवन, एक्स को या वाई को? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बुक में वाई वाला दिखाया तो अभी मैं वाई को ही सब्जेक्ट बना रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्स वाला भी दिखाता हूँ ठीक है। सो यहाँ पे -3y उधर जाएगा तो +3y हो जाएगा, सो 4x-8=3y। वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आपका 4x-8y3, दिस विल बी योर वाई। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, वाई हाई या ना राइट? चलो अब सेकंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ विकास वो कर सकते हो ना, 6x-, अब वाई की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 4x-8/3-29/3=0। नाउ कैन वी टेक एलसीएम राइट, कैन वी टेक एलसीएम हियर? तो एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6×3=18x माइनस 4x-8/29=0। चलो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18x-4x-+8-29=0। 18x-4x will give you 14x. 8-29 will give you -21=0. So 14x will be equal to 21 and x will be equal to 21 by 14. So x will be equal to 7×3=21 and 7×2=14. X will be equal to 3/2. क्या ये पता चला students? Please give me some response. किस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया और वो वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुई, पर पिक्चर अभी बाकी है स्टूडेंट्स। एक्स से हमारा काम खत्म नहीं होता, हमें सॉल्व करना है, मतलब वाई भी फाइंड करना है राइट। सॉल्व का मतलब ये होता है कि एक्स कमा वाई आपको दोनों फाइंड करना है, तो हमें एक्स मिल गया है। नाउ लेट अस फाइंड वाई, हाउ वी कैन फाइंड वाई, जस्ट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाय अन्ना। Yes, sir. Right. So here, now, y is equal to 4x-8/3, which will be equal to 4. X is nothing but 3/2 minus 8 whole divided by 3. 2×2=4, 3×2=6, 6 minus 8.
minus 2 by 3. So you got x as 3 by 2 and y as minus 2 by 3. Final answer आपको कुछ इस तरीके से लिखना है. Here solution x comma y is equal to x आपके पास आया है 3 by 2, y आपके पास आया minus 2 by 3. तो ये substitution method का question आप boards की exam में 2 mark में expect कर सकते हो, और वो सारी चीजें आप लिखोगे तब जाके आपके ये 2 marks आपको मिलेंगे. जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया वो सारी की सारी चीज अंदर होनी चाहिए. ओके, इजी एवरीवन. मनोज ना अनम्यूट हो गए, राइट? एनी डाउट? ओके, क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, एकदम इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. और योर न्यू डायलॉग क्या बोलो, इजी पीजी पिज्जा चीजी, लाइक दैट. हाँ चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जाएं आगे और नया क्वेश्चन देखें, राइट? ग्रेट. लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. पहले समझ लो. Okay, can you see this question number 2 on screen? If 2x plus y is equal to 35 and 3x plus 4y equal to 65, then find the value of x by y. आपको x by y की value find करनी है using substitution method. Already उन्होंने specify कर दिया है. See, linear equation in 2 variable में अगर आपको बोलते हैं solve, मतलब आपको solve करना है, कोई भी method specify नहीं कि आप कौन सी भी method use कर सकते हो. Whether graphical method, substitution method, elimination method, cross multiplication method, whichever you feel comfortable. But अगर specify किया गया है तो फिर आपको particularly वही method use करनी है. अब substitution method से x by y तो आपको directly नहीं मिलेगा. पहले आपको क्या find करना पड़ेगा students? X, फिर y, या पहले y, फिर x. Y और x in short आपको separately find करने, फिर उसकी value आपको x by y में रख के finally x by y का answer मिलेगा. यहाँ तक clear है everyone? You can tell me yes if it is clear to you. लग रहा है मुझे एक छोटा स्पीकर रख के इधर बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा, जो पीछे में सबका वो रिकॉर्डेड आवाज हो, यस यस ऐसा बोलता जाए. ठीक है, सो हियर 2x plus y is equal to 35 and 3x plus 4y is equal to 65. दो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन को पहले पकड़ेंगे, उसमें से जैसे लास्ट टाइम हमने y को सब्जेक्ट बनाया था. अब मैं आपको यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ. हाँ बोलो सरस्वती. सर हम लोग 2x plus y minus 35 equal to 0 ले सकते हैं. हाँ, why not? Why not? Right? चलो, अब हमारा मेन एम क्या है यहाँ पे, पहले इक्वेशन में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाना है, या तो x को या y को. y को सब्जेक्ट बनाने वाला ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, राइट? अब एक बार x को सब्जेक्ट बनाने वाला दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर मैं मान लो x को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो 2x आपका क्या हो जाएगा, 35 minus y. और फाइनली x आपका हो जाएगा 35 माइनस y बाई 2. एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? यस और नो? यस. अब ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में. सो देयरफॉर नाउ 3x plus 4y is equal to 65. Let us substitute this value of x. This will be 35 minus y by 2. आप दोनों इक्वेशन को 1 और 2 भी नाम दे सकते हो, लिख भी सकते हो साथ में, राइट? फ्रॉम इक्वेशन 1, लेट अस मेक x एज सब्जेक्ट एंड लेट अस पुट इन इक्वेशन 2 plus 4y is equal to 65. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि बहुत ही आसान सा है. यहाँ पे LCM लेंगे, सो 3 into 35 minus y plus 2 times 4y whole divide by 2 will be equal to 65. 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 3 is 105 minus 3y plus 4 2 is 8y whole divide by 2 उधर चला जाएगा, it will be 65 into 2 minus 3y plus 8y will be plus 5y. यहाँ पे 65 into 2 will be 130 plus 105 उधर जाएगा minus 105. So therefore 5y is equal to 25, y is equal to 5. यहाँ तक क्लियर है, राइट?
ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको 2 मार्क में आएगा स्टूडेंट्स बोर्ड्स में, 2 मार्क्स टू 3 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं, राइट, मैक्सिमम 3 अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो, जनरली 2 मार्क में ही आएगा। ओके अब ये वाई की वैल्यू एक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस, सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 35 माइनस वाई बाई टू, राइट, विच इज इक्वल टू 35 माइनस 5 बाई 2, 35 माइनस 5 आपका हो जाएगा 30, 30 बाई 2 आपका हो जाएगा 15। बोलो एक्स आपका आ गया सेपरेटली, वाई आपका आ गया सेपरेटली, अब अच्छे से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आया ना? हाँ सॉरी, यहाँ एक्स की जगह गलती से वाई लिख दिया मैंने, सो नाउ योर फाइनल आंसर सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 15.5। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाय आना, यस सर, राइट, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। तो अब मैं आपको पहले फॉर्मूला बुक दिखाता हूँ, अब फॉर्मूला बुक क्लियर हो गई सबको, राइट, फॉर्मूला बुक, हाँ अक्षर इतना देखने की जरूरत नहीं है, एक क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि सर अलग अलग स्माइलीज बनाए जाए, तो फिर मैं अलग अलग बना रहा हूँ, हर बार सेम बनाता हूँ तब तो इस तरीके से, ठीक है। हाँ यस आदित्य जी ने याद दिलाया, सर ये क्वेश्चन में तो एक्स बाई वाई फाइंड करना था, यस आदित्य जी माई मिस्टेक, तो एक्स और वाई फाइंड करने के बाद नाउ वी नीड टू फाइंड एक्स बाई वाई, सो हियर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 15/5 विच इज इक्वल टू 3, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3, ओके। चलो आप पहले फॉर्मूला बुक से लिख दो, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ एलिमिनेशन मेथड। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम है उसी तरीके से हम उसमें एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूट करते थे, एलिमिनेशन मेथड उसमें जैसे एलिमिनेशन मेथड का नाम है हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, वेदर एक्स को या वाई को, दोनों इक्वेशन में से, राइट, अब वो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन में से पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपको एलिमिनेट किसको करना है, वेदर आपको एक्स को एलिमिनेट करना है कि वाई को एलिमिनेट करना है, वो आपको टारगेट लेना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है एवरीवन, राइट, पहले आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा कि आपको एलिमिनेट करना किसको है, ओके okay. यहाँ पे भी आप किसी को भी टारगेट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है वेदर आप एक्स को करो या वाई को करो, मैं अभी के लिए आपको वाई को सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन में भी मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि हम किसे टारगेट करेंगे, राइट, वापस कोई अनम्यूट हो गया है, चलो तो मान लो कि मैं यहाँ पे वाई को टारगेट कर रहा हूं, अब वाई को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे समझो, वाई का पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट है b1, दूसरे इक्वेशन में कोएफिशिएंट है b2, तो दूसरे इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है b2 उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन के साथ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सिमिलरली पहले इक्वेशन में जो वाई का कोएफिशिएंट है b1 उसको मैं सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये चीज क्लियर है पूर्वी प्रज्वल, ओके नव्या ये चीज क्लियर है, अनघा फिजा कृष्णा पुनित राइट संचित सात्विक, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, जैसे 1 × b1 मैंने किया तो मुझे क्या मिल रहा है समझो, 1 × b2 मैं कर रहा हूं तो इक्वेशन 1 × b2 विल गिव यू a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0, दूसरे इक्वेशन के साथ वापस मैंने b1 को मल्टीप्लाई किया है तो a2 b1x प्लस b2 b1y प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0, क्या ये पता चल रहा है एवरीवन, वेट, स्क्रीन शेयरिंग वॉज पोस्ट माई मिस्टेक, यस यस यस, एक बार मैं वापस लिखता हूँ, एक बार वापस लिखता हूँ, वेट,
क्या यहां तक पता चला? राइट, पहले में बी टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में बी वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वाई का कोएफिशिएंट बी वन है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको मैं सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट है बी टू, उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मैं बी टू से मल्टीप्लाई करूंगा, वो इक्वेशन बन जाएगी ए वन बी टू एक्स प्लस बी वन बी टू वाई प्लस सी वन बी टू इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? बोलो हाँ। जानवी, नंदिनी, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं बी वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो हो जाएगा ए टू बी वन एक्स प्लस बी टू बी वन वाई प्लस सी टू बी वन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्लियर है? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। आया ना? अब नेक्स्ट काम होगा यहाँ पे प्लस या माइनस करना। जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे तब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। अगर दोनों के साइन सेम होगी तो इजीली प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो, आपने वाई को टारगेट किया था, यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, बी वन बी टू वाई, बी वन बी टू वाई, एक टर्म हो गया हो गई प्लस, एक टर्म हो गई माइनस, उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख रहा हूँ, इक्वेशन वन को बी टू से मल्टीप्लाई किया, उसमें से इक्वेशन टू को बी वन से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। देखो 50-50% पता चलेगा तो भी आपका काम हो जाएगा एवरीवन, क्योंकि अभी हम बी वन बी टू के साथ खेल रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो नंबर्स के साथ खेलेंगे, तब काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, अब पहली टर्म में सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन का पहली टर्म का सब्ट्रैक्शन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, कैन आई से दैट दिस इज ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एक्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? राइट, सेकंड टर्म तो हो गई आपकी जीरो, थर्ड टर्म आपकी हो जाएगी सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन, और इक्वल टू आर एच एस, जीरो माइनस जीरो इज जीरो ओनली, वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, जानवी, अक्षता, सृष्टि, तनिष, यशश, क्लियर है ये? श्रिया, समर्थ, मेलिसा, मानसा, ओके चल, हाँ कैंसिल तो कर दिया ना जानवी, और क्या कैंसिल करना है, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना वाई वाला, ठीक है। अब एक्स को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन उधर जाएगा इक्वल टू के राइट साइड, तो वो हो जाएगा सी वन बी टू उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सी टू बी वन पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू, यहाँ पे आपको मिलेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो x will be equal to b1 c2 minus b2 c1, आप जिस भी ऑर्डर में लिखो, डिवाइड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब चेक करो, जो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से मिला था वही सेम आंसर यहाँ पे भी मिला, जो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से मिला था वही आंसर मिला, b2 c1 minus b1 c2, b2 c1 minus b1 c2, दोनों में से बस माइनस निकाल के कैंसल कर दो, यहाँ पे ए टू बी वन माइनस बी वन ए टू, ए टू बी वन माइनस ए टू बी वन माइनस बी वन ए टू, राइट, बस दोनों में आपका माइनस साइन निकाल के न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, दोनों चीजें सेम है, चेक एवरीवन, हाँ या ना? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपकी 50% क्लियर हुई, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, एटलीस्ट 50%, आई वॉन्ट ओनली 50%, नॉट मोर देन दैट, मुझे बस ये चाहिए कि आपको 50% क्लियर हुई है। यस विकास, सेम थिंग विल बी अप्लाइड फॉर एलिमिनेटिंग एक्स, राइट। अब यहाँ पे आपका बाकी की मेथड क्लियर हो जाएगी, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, समझो। तो पहले ये इक्वेशन में सारे कैंसल एक साथ नहीं हो पाएंगे ना, आप किसी भी एक को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ही कैंसल होगा, सभी कैंसल नहीं होने वाले। सभी कैंसल कब होंगे, जब सभी के सभी कोएफिशिएंट सेम है, ये 5x plus 6y plus 3 है, नीचे भी 5x plus 6y plus 3 है, तब सब कैंसल होंगे ना, जो सेम है वो कैंसल होते हैं ना, वहां पे बीच वाली टर्म क्यों कैंसिल हो रही थी वाई वाली, क्योंकि वो सेम थी, एक्स वाली और कॉन्स्टेंट टर्म सेम नहीं है ना। सी फॉर्मूला बुक में यहाँ पे आपकी ये वाई वाली टर्म क्यों कैंसिल हुई, क्योंकि ये बी वन बी टू वाई है, ये भी बी वन बी टू आई है, बी वन बी टू दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हुआ ना, इसलिए प्लस बी वन बी टू माइनस बी वन बी टू जीरो आया। ये वाला ए वन बी टू ए टू बी वन है, ये सेम नहीं है, सी वन बी टू सी टू बी वन है, वो सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था अभी 50% हो तो चलेगा, राइट। यस यस राकेश, अगर वाई चाहिए तो हम ए वन ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशंस दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। हाँ, मैं पहले तो उन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा।
तो जैसे सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी योर सेवन वाई प्लस सेवन थ्री जार 21 माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस टू रोजा 4 इज इक्वल टू 14. सो देयरफॉर सेवन वाई माइनस टू एक्स 21 माइनस 4 विल बी 17 आया ना, इज इक्वल टू 14. सभी चीज उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स उधर जाएगा तो प्लस टू एक्स, प्लस सेवन वाई उधर जाएगा तो माइनस सेवन वाई. ये 14 एज इट इज, प्लस 17 उधर जाएगा तो माइनस 17 विच इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 2x माइनस 7y 14 माइनस 17 माइनस 3 इक्वल टू 0. क्या यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. नंदिनी, जानवी, एवरीवन, अक्षता, सृष्टि, राइट, अभिरम्या, पूर्वी, फिजा, प्रज्वल, हर्षिता, मनोज, कृष्णा, राइट, हिली, ठीक है. सेम सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. 4 टाइम्स वाई माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2. तो यहाँ पे 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो देयरफॉर 4y माइनस 4 टू जा 8, 3x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2. 3x एज इट इज प्लस 4y एज इट इज माइनस 8 माइनस 9 विल बी माइनस 17, प्लस 2 इधर आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0. सो दिस विल बी 3x प्लस 4y माइनस 19 इक्वल टू 0. अब क्या यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिल गए? पहले जो इजीली आप लीनियर इक्वेशंस हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, 3x प्लस 4y माइनस 19 और 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0. चलो अब आप मुझे बताओ हम किसको टारगेट करें, दोनों में x को सेम करें कि y को सेम करें? सी, अगर आपको y को सेम करना पड़ेगा y के कोएफिशिएंट, तो यहाँ 7 है तो ये वाला 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 है तो वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना, राइट. और x को अगर आपको सेम करना होगा तो ये 2 है ये 3 है, तो 3 और 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे. कौन सा आसान लग रहा है, x को इक्वेट करना है या y को इक्वेट करना? x को इक्वेट करना, हाँ या ना, राइट. ओके, वन स्टूडेंट इज आस्किंग बैकग्राउंड में क्रैकर्स चल रहे हैं क्या? नो, नॉट एट ऑल. बैकग्राउंड में से आपको आवाज आ रही है क्या? कोई यहाँ बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है, right? And even I'm using this for, okay. ठीक है, तो हम x को एलिमिनेट करते हैं. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, तो हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो पूरा, एंड वर्ड्स में ना लिखना हो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में, मतलब सिर्फ सिंबॉलिकली नोटेशन में लिखना है, वैसे भी लिख सकते हो. जैसे यू कैन सिंपली राइट इक्वेशन 1 इंटू 3, फिर बीच में प्लस करोगे तो प्लस, माइनस करोगे तो माइनस, इक्वेशन 2 इंटू 2. और यू कैन राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 2 एंड इक्वेशन 1 विथ 3. तो इक्वेशन 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो हो जाएगा 3 टू जा 6x माइनस 7 3 जा 21y माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 टू जा 6x 4 टू जा 8y माइनस 19 टू जा 38 इज इक्वल टू 0. क्या ये चीज क्लियर है पहले? आया ना एवरीवन? अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि x के साइन सेम है, 6x और 6x को एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यया, व्हाट आर यू डूइंग यया? यया के पापा से बात करनी पड़ेगी. चलो तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस. 6x minus 6x will be 0 or not? Bolo, 6x minus 6x will be 0 or not? Hai or na? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, minus 21y minus 8y. Minus 29. Minus 13. Yes. Just a minute.
तो ये हो जाएगा आपका माइनस 29y. नाउ माइनस 9 प्लस 38 ये क्या होगा बोलो. 38 माइनस 9 प्लस 29 20 इज इक्वल टू 0. चलो माइनस 29y उस तरफ जाएगा तो प्लस 29y हो जाएगा राइट. एंड यहाँ पे आपका 29 ही बचेगा. y को सब्जेक्ट बनाओ इट विल बी योर 29/29. बोलो y मिल जाएगा आपको y इक्वल टू 1. पता चल रहा है स्टूडेंट्स y इक्वल टू 1 मिल गया. Yes, sir. अब x फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कोई भी एक इक्वेशन का यूज करो वेदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2. एक बार आपको y मिल जाए फिर ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो वेदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 राइट. चलो जैसे यहाँ पे कौन सा इक्वेशन छोटा लग रहा है 1 या 2 बोलो जो छोटा लगे उसमें रखो. 2 छोटा लग रहा है आपको ठीक है तो 2 में ट्राई करते हैं. तो इक्वेशन 2 इज नथिंग बट 3x प्लस 4y माइनस 19 इक्वल टू 0. अब इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू हो गई है 1 माइनस 19 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 3x प्लस 4 माइनस 19 दैट विल बी माइनस 15 इज इक्वल टू 0. 3x इज इक्वल टू 15 x इज इक्वल टू 15/3 x इज इक्वल टू 5. x आपके पास 5 है y आपके पास 1 है. So your final solution is 5, 1. We can write here solution of the given equations x, y is equal to 5, 1. बोलो है आसान एकदम आसान है एकदम easy right. दोनों method एकदम easy है right. Easy peasy lemon squeezy right. Very easy methods right. अक्षता चलो एक बार वापस समझाता हूँ मैं. इधर ध्यान दो elimination method सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको आइडिया आ ही गया है. एलिमिनेशन मेथड का ब्रीफ एक बार देख लो फिर फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक में मैं आपको लिखने के लिए देता हूँ. एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन में पहले आपको टारगेट करना है कि आप किसको एलिमिनेट करोगे एक्स या वाई को. जिसके कोएफिशिएंट्स छोटे होंगे उसको पकड़ लो. तो जैसे यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 और 3 छोटे छोटे हैं यहाँ पे वाई के कोएफिशिएंट 7 और 4 थोड़े बड़े हैं तो हम 2 और 3 को पकड़ रहे हैं. तो ये 2 को यहाँ पे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज नथिंग बट यू आर यूजिंग ITUS. इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. फिर हेरा फेरी आपने देखी होगी जिसमें पूछा जाता है अक्षय कुमार को कि आपकी डिग्री क्या है तो वो बोलते हैं ITUS इसकी टोपी उसके सर. सो ये 2 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको जो इक्वेशन मिलेंगे वो आप लिखोगे उसमें ये दोनों के साइन सेम है तो जस्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस. ये 6x माइनस 6x आपका 0 हो जाएगा. यहाँ माइनस 29 बाई प्लस 29 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करने से आपको y मिल जाएगा. y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो 1 या 2 में तो वहां से आपको x मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे कि हम किसी भी एक इक्वेशन में से x या y को सब्जेक्ट बनाते थे वो पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे दूसरे इक्वेशन में वहां से सिंप्लीफाई करके फिर आपको हमें y मिलता था. फिर वो y की वैल्यू यहाँ पे वापस रख देते थे तो x मिल जाता था. एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में हम किसी भी एक के कोएफिशिएंट्स को सेम करते हैं आइदर x के कोएफिशिएंट को या y के कोएफिशिएंट को पर्टिकुलरली इक्वेशंस को एक कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं फिर उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स हाँ या ना प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरी वन ईजी राइट. अब इसे आप नोट डाउन कर दो और चैट बॉक्स में लिखो कि दोनों मेथड में से आपको कौन से मेथड ज्यादा अच्छी लगी सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड. सो लेट अस स्टार्ट नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लेवल 2 जिसे आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. कुछ स्पेसिफाई किया तो पर्टिकुलरली आपको वही मेथड यूज करनी है. फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इफ वी बाय 2 टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड 3 फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी we have to pay rupees 795 but 3 tickets from station A to B and 5 tickets from station A to C cost total of rupees 1300. What is the fare from station A to B and that from station A to C? Use substitution method. बोलो ये बहुत ही आसान वाला word problem हो जाएगा everyone. किस तरीके से किया जाए बोलो अक्षता पहले यहाँ पे क्या assume करें. Confusion है अक्षता बोलो फिजा क्या एज्यूम किया जाए पहले.
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हु विल ट्राई प्लीज रेज योर हैंड, बहुत ही आसान सा। हर्षिता क्या एज्यूम करें, बोलो हर्षिता। सर द कॉस्ट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू रुपीज 75। ओके अवनी ने रिप्लाई दिया, ठीक है। नहीं नहीं, क्या आप फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या अवनी? नहीं सर। आपने क्या बोला, बोलो वापस। कॉस्ट ए टू, कॉस्ट ऑफ ए टू बी क्या बोला, कैन यू रिपीट? सॉरी सर, बाय मिस्टेक आंसर बोली। तो फिर हाँ चलो, दर्शन कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, बोलो कहाँ से शुरू करें? सर वी कैन अज्यूम दैट लेट टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी बी एक्स एंड टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी बी वाई। ओके, और पर्टिकुलरली फेयर ऑफ टिकट और टिकट कॉस्टिंग फ्रॉम ए टू बी और टिकट कॉस्ट फ्रॉम ए टू बी और कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से थोड़ा लिखेंगे। सो लेट फेयर फ्रॉम, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया गया है, फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू सी इज इक्वल टू रुपीज वाई। नाउ सो इफ यू बाय टू टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड थ्री टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू सी, वी हैव टू पे रुपीज 795, राइट? सो लेट अस सी हियर एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे। सो हियर इफ यू बाय टू टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड थ्री फ्रॉम स्टेशन ए टू सी, तो पहले कंडीशन के लिए कितने रुपीज का खर्चा होगा, बोलो। ए टू बी का टोटल खर्चा कितना होगा नंदिनी? एक टिकट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो दो टिकट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टू एक्स, राइट? हाँ, फिर बाकी के लिए, बाकी तीन टिकट ले रहे हैं ए टू सी, टू एक्स प्लस थ्री बाई इक्वल टू 795, राइट? यस यस यशश, एंड में नेक्स्ट। अब सेकंड आपको बोला है कि अगर आप दोनों जगह से तीन टिकट ए टू बी ले रहे हो और पांच टिकट ए टू सी ले रहे हो, तो जानवी यहाँ पे क्या होगा? जानवी यस, थ्री टिकट फ्रॉम ए टू बी, फाइव टिकट फ्रॉम ए टू सी। सर 3x plus 5y इज इक्वल टू 1300। दो इक्वेशन है आपके पास, किस मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? हु विल ट्राई दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। चंदन कैन यू ट्राई हियर फर्स्ट स्टेप, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाओ, वेदर चूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, उसमें से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाओ। हाँ सर, 2x is equals to 795 minus 3y, okay, and x is equals to 795 minus 3y divided by 2. Very good. तो यहाँ पे इक्वेशन वन में से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, 2x will be equal to 795 minus 3y. So x will be equal to 795 minus 3y whole divided by 2. फिर x की वैल्यू में इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, करेक्ट? तो 2 में आपका हो जाएगा 3x plus 5y is equal to 1300, 3, x आपका हो जाएगा 795 minus 3y divided by 2 plus 5y is equal to 1300, ठीक है? अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, 3 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 is 15, 1 will be carry, 9 3 is 27 plus 1 28, 2 will be carry, 7 3 is 21 plus 3 24 minus 3 3 is 9y whole divided by 2 plus 5y is equal to 1300. हाँ, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सात्विक, ये क्वेश्चन फिर आपको वापस करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कौन सी मेथड दी गई है। ओके चलो, फिर यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2485 माइनस 9y प्लस 5 टू 10y होल डिवाइड बाय 2
will be equal to 1300 rupees. Achha, 2835 Prahlad is telling, theek hai, calculation mistake hui hongi. 5 3s are 15, 1 will be carry, 9 3s are 7, 27 plus 1, 28. 7 3s are 21 plus 2, 2 3, right? It should be 2 3, yes. Thank you, Prahlad. 2 3 8 5. 2 udhar jayega. So therefore, 2 3 8 5 plus 10y minus 9y plus y is equal to 2600. Y ko subject banayenge. 2600 minus 2 3 8 5. N minus 5, 5. 9 minus 8, 1. 5 minus 3, 2. 215. So y will be equal to 215. Okay, it is clear, students. Hi, Anna. Right? Matlab agar station A se station C tak ke cost aapko pata chal gayi hai, which is 215. Ab A to B wali cost find kar dete hain, x mein rakhte hain value. So now x will be equal to 795 minus 3y by 2. Now 215 into 3. 645. So 795 minus 645. 150 by 2, which is 75. Now you need to write your final answer. Because final answer, aapka x or y to aapne khud assume kiya hai. So final answer will be fare from station A to station B is rupees 75 and fare from station A to station C is rupees 215. Okay, it is clear, students. Asan hai bolo. Substitution method ko kis tarike se humne word problem mein use kiya. Very easy, right? चलो आप इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. मीनवाइल मैं बाकी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस ले लेता हूं.